जीवारी यूनिवर्सिटी किस तरह से बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करती है उसका एक ताजा मामला सामने आया है, जिसके तहत बीएससी प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा देने वाले एटीकेटी के छात्रों को यूनिवर्सिटी द्वारा अनुपस्थित दर्ज कर दिया गया, जिसके चलते कॉलेज में छात्र छात्राएं आगामी 10 जून से शुरू होने वाले प्रवेश के दौरान कॉलेज में दाखिला नहीं ले पाएंगे। इतनी बड़ी गलती कैसे हुई, एक जांच का विषय है, जिसके चलते आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य को एक ज्ञापन सौंपा। प्राचार्य ने आश्वासन दिया कि यूनिवर्सिटी को एक पत्र जारी कर दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा की गई गलती के बारे में उन्हें बताया गया है, जिसका निराकरण 10 से 12 दिन में हो जाएगा। वहीं समस्या पर है कि आगामी 10 जून से छात्रों का दाखिला शुरू हो जाएगा और जिन बच्चों की अभी तक यह पता नहीं है कि वे पास हुए हैं या फेल, उनके दाखिले कैसे हो पाएंगे, क्या इसमें भी यूनिवर्सिटी कुछ करेगी, और देखने लायक यह भी होगा कि किस तरह से इतनी बड़ी गलती यूनिवर्सिटी के द्वारा की गई। हालांकि सूत्रों की माने तो इस तरह की गलती छात्रों से नाजायज पैसा वसूली के लिए भी की जाती है। सूत्रों ने यह भी कहा कि कॉलेज में एक गिरोह सक्रिय है जो इस तरह से अनुपस्थित दर्ज कराकर या एटीकेटी में फेल कराने के बाद बच्चों को पास कराने के नाम से पैसा वसूली करता है। हालांकि ग्राउंड रिपोर्टर की तरफ से हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समस्त कार्यकर्ताओं ने मिलकर बीएससी का हाल ही में सेम एटीकेटी का जो रिजल्ट आया था उसमें समस्त छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिसमें जीवाजी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी और समस्त छात्रों को अनुपस्थित घोषित कर दिया, जिसके कारण बस सभी छात्र परेशान हो रहे थे। हाल ही में अभी 10 जून के बाद एडमिशन प्रक्रिया भी पुनः चालू होने वाली, समस्त छात्र परेशान है, इसलिए विद्यार्थी परिषद द्वारा पीजी कॉलेज के प्राचार्य को इस बारे में अवगत कराया और प्राचार्य जी ने ये कह दिया है कि हमने एक पत्र यूनिवर्सिटी को लिख दिया, 10-12 दिन के अंदर समस्त छात्रों की जो समस्या है उसका निराकरण कर दिया जाए।